बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने आज की वीडियो में मैं आपको पोर्ट होल्डर बनाना सिखाऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंने तीन रंगों से बनाया है और इसको मैंने 18 सेंटीमीटर बना के तो फिर इसकी साइडों पे बॉर्डर बना दिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाना स्टार्ट किया। इसको बनाने के लिए हम पहले इसका रिंग बनाएंगे। मैं 15 चेन बनाऊँगी। जब 15 चेन बन जाए तो पहले वाली जो एक चेन है उसके अंदर से स्लिप स्टिच लेंगे से, और ये एक गोल सा रिंग बन जाएगा। अब हमने इसको सिंगल क्रोशे के साथ कवर करना है इस रिंग को। पहले एक चेन बना के तो इस रिंग के अंदर से हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। सारी जो 15 चेन है उनको सिंगल क्रोशे के साथ कवर करते जाना है। अब जो मैंने चेन बनाई थी उसके ऊपर मैंने 22 सिंगल क्रोशे बना लिए। अब जो पहली चेन थी, एक पहले हमने जो एक चेन बनाई थी उसके चेन के अंदर से हम ऐसे स्लिप स्टिच लेके तो इसको पहले राउंड को बंद कर देंगे। अब हम इसका स्टार्ट जब करेंगे तो हमने पहले एक चेन बनानी, पहले हमने दो चेन बनानी है। तो मैं हाफ डबल क्रोशे से बनाने लगी हूँ तो दो चेन बना के तो अगली जो चेन है उसके अंदर से मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। जो पहली दो चेन है वो पहला हाफ डबल क्रोशिया और फिर ये तीन, चार और पांच, पांच हाफ डबल क्रोशिया बना के तो अब ये जो अगली चेन है इसके अंदर से हम तीन डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। यानी कि एक ही चेन के अंदर से तीन हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे ऐसे, और फिर हम ये हमारा सेंटर पॉइंट होगा। हर दफ़ा इसके जो यानी कि तीन की एक इधर है चेन, तीन जो हमने हाफ डबल क्रोशे बनाए जो सेंटर वाला जो है इसके अंदर से हमने हर दफ़ा हर राउंड में हमने तीन तीन हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे कि हर दफ़ा कोई कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए हम यहाँ पे ऐसे स्टिच मार्क लगा लेंगे कि ये हमारा सेंटर पॉइंट है। फिर अब हम क्या करेंगे कि इसके आगे फिर से छह हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे जैसे हमने यहाँ स्टार्ट में बनाया है। एक छठा हाफ डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ से, तो अगर तो इसी कलर से बनाना है तो जैसे हम पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाते आ रहे हैं ऐसे हम हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। लेकिन अगर यहाँ से कलर चेंज करना है तो फिर यहाँ से ही हम कलर चेंज कर लेंगे। यानी कि यहाँ से दूसरा कलर लगा लेंगे। कलर लगा के फिर दो चेन बना के तो हम नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट रो में भी हमने नेक्स्ट रो में ऐसे होगा कि ये जो हमने छह हाफ डबल क्रोशे बनाए हैं अब ये सात हो जाएंगे क्योंकि सेंटर में हमने तीन बनाए थे। तो तीन में से एक तो सेंटर में ही रहेगा, एक इधर इसको मिल जाएगा राइट साइड को, एक लेफ्ट साइड को, इसलिए अब इधर भी सात हाफ डबल क्रोशे होंगे और इधर भी, और ऐसे हर एक रो में एक एक हाफ डबल क्रोशे का एक एक चेन का इजाफा होता जाएगा दोनों तरफ राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। यहाँ पर एक काम और हमने करना है कि ये जो इसके चेन की दो धागे हैं हमने पीछे वाले धागे से यानी कि बैक लूप से हमने अब बनाने हैं थोड़ा सा इसको टेक्सचर देने के लिए। सात हाफ डबल क्रोशिया बना के तो इसको
स्टिच मार्कर रिमूव कर देंगे, तो फिर अब अगला जो है उसके अंदर से फिर से सेंटर वाला जो है उसके अंदर से तीन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर अब ये जो तीन हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, अब इसके सेंटर वाले पे फिर से हम स्टिच मार्क लगा लेंगे। और अगली जो सात चेन है उसकी भी बैक लूप से हम सात हाफ डबल क्रोशिया उसके ऊपर बना देंगे। इस रो का लास्ट हाफ डबल क्रोशिया अभी आधा बना के तो उसके साथ फिर से कलर चेंज कर लेना और फिर से दो चेन बना के तो अब फिर से इसको पलटना है और अगली रो स्टार्ट कर देनी है, बैक लूप से ही बनाना है। अब यहाँ पर अब इस रो में आठ हाफ डबल क्रोशिए एक साइड पे होंगे, आठ एक साइड पे और सेंटर वाले में तीन बनाने होंगे। जब ये रो भी मुकम्मल हो जाएगी अगली रो स्टार्ट जब करनी है तो फिर नाइन एक तरफ होंगे डबल क्रोशिए, सेंटर वाला एक होगा और नाइन एक तरफ होंगे और सेंटर वाले में फिर से तीन बनाने हैं। ऐसे ही ये इसको थोड़ा सा और बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके यहाँ पर मैंने नाइन रो बना लिए हैं और एक तरफ इसके चौदह हाफ डबल क्रोशिए, दूसरी तरफ भी चौदह हाफ डबल क्रोशिए और ये अभी तकरीबन आठ सेंटीमीटर बना है। तो अब इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसी मेथड के साथ इसको बनाते जाऊँगी, तकरीबन ये ट्वेंटी सेंटीमीटर बनाना है तो अट्ठारह सेंटीमीटर बना के फिर इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो ये मैं दिखाती हूँ आपको बना के। अब यहाँ पर मैंने इसके 20 राउंड मुकम्मल कर लिए और ये तकरीबन 18 सेंटीमीटर बन गया। ये इसका हैंडल है, इसको लटका भी सकते हैं। ये बहुत ही थोड़े से टाइम में और बहुत थोड़ी सी उनके साथ बहुत प्यारी चीज़ बन गई है। तो ऐसे हम थोड़ी सी मेहनत के साथ अपने घर की कई किचन की कई चीज़ें बना सकते हैं उनके साथ और क्रोशिया के साथ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके ये पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे आने वाली वीडियो भी देखते रहें ताकि आप ऐसी और बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना सीख लें।